हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज का वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा, हम लोग ये रीडिंग कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में जो लोग हैं, बिल्कुल ही बात नहीं हो रही आपके पर्सन से आपकी, उन लोगों के लिए। ठीक है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, चाहे जेंडर स्पेसिफिक या किसी और, ये रीडिंग सबके लिए है जो भी अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। और लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी क्या कुछ है उनकी फीलिंग्स। ओके, सो नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। फोकस प्लीज अपने पर्सन पे रखिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, The Fool, The Devil, Queen of Cups, Knight of Wands, okay, and bottom है The Hermit। तो ये आपके person की feelings है, ठीक है, याद रखिएगा। तो signs देखिए, signs पे गौर मत करिए क्योंकि signs सभी होंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो ठीक है, तो साइंस पे इतना गौर मत करें, रीडिंग पे ध्यान दीजिए, रीडिंग में क्या आ रहा है उस पे ध्यान दीजिए, ना कि साइंस पे। तो साइंस फिर भी मैं आपके एक हिंट देने के लिए आपको बता ही देती हूँ। यहाँ पे है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैगिटेरियस, एरीज, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, इतने ही साइंस हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों के लिए, पहली बात तो मुझे यहाँ पे जो ओवरऑल ही, मतलब देखते से ही इस रीडिंग को कोई भी अगर जो रीडर है वो देखेगा, तो सबसे पहले उसको एक ही चीज़ नज़र आएगी यहाँ पे, वो है आपके पर्सन दे बैडली वॉन्ट यू, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कनेक्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, इक्वल गिव एंड टेक करना, आपके साथ वापस आ जाना। ये इनका प्राइम फोकस है इस वक्त, चाहते हैं कि आपके करीब आए, आपके और इनके रिश्ते पे काम करें, जहाँ से छोड़ा है वहीं से शुरू करें, अपना प्यार एक्सप्रेस करें। बट ना, मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है यहाँ पे कि ये पर्सन, जो भी इनकी मूवमेंट है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, बहुत धीरे 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 चल रहा है सिचुएशन आगे। इनकी मूवमेंट बड़ी ही धीरे धीरे हो रही है, आपकी तरफ ये कदम तो बढ़ा रहे हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे, ठीक है। कभी बहुत तेज़ आ जाते हैं और फिर अपने आप को धीरे कर लेते हैं, ठीक है। उसके पीछे कुछ रीजंस है जो मैं देखूंगी, मैं क्लैरिफाई करूंगी, बट इनका जो प्राइम फोकस है वो है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक होना, इक्वल गिव एंड टेक करना, रिश्ते पे काम करना, अपना एफर्ट डालना इस रिश्ते पे विथ फुल पैशन, फुल पूरे दिल से और पूरे अफेक्शन के साथ और पूरे इंटरेस्ट के साथ। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन, मुझे लगता है बहुत ही सावधानी से है, बहुत ही अलर्ट होकर मूवमेंट कर रहे हैं। या तो इन्हें डर है कि आप थर्ड पार्टी में चले गए हो, आपके लाइफ में कोई और आ गया है, या तो उन्हें लग रहा है कि आप रेडी नहीं हो एक्सेप्टेंस के लिए,
या एक नई शुरुआत नहीं करना चाहते आप, ठीक है, तो इसीलिए वो जो कदम उठा रहे हैं आपकी तरफ वो काफ़ी धीरे धीरे ले रहे हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ही आपको डिसअपॉइंट किया, यही आपसे दूर गए, सेपरेशन इन्होंने ही लाया, किसी के लिए हो सकता है करियर के लिए, किसी के लिए थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि मुझे दोनों ही कार्ड्स यहाँ पे लाइक वही दिखा रहे हैं, हो सकता है किसी किसी के केस में आपके पर्सन ने आपको पैसों के लिए, करियर के लिए, फैमिली के लिए छोड़ दिया हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में के लिए उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको चूज़ नहीं किया, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, ठीक है, एंड आप उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, काफ़ी छुपा रहे हैं अपने पेन को, अपने अग्रेशन या अपने गुस्से के नीचे। मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत ही लाइक मतलब ऐसे एनर्जी मुझे पिछले कुछ दिनों से रीडिंग कर रही हूँ उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसी एनर्जी फील हुई है जहाँ पे बहुत ही पैशन दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, बहुत ही ज़्यादा, कि बस मुझे अब इसको पाना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रूक, चाहे फिर उनको आपसे दोस्ती करके आगे बढ़ाना पड़े रिश्ते को, या फ्लर्ट करना पड़े आपके साथ, या कुछ भी करना पड़े ना, दे आर रेडी टू डू एवरीथिंग, कुछ भी करने के लिए तैयार है ये पर्सन आपके लिए, क्योंकि उनका फोकस है आपके साथ एक हो जाना, आपके साथ एक नई शुरुआत करना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, और मुझे लगता है ये पर्सन, इन्होंने बहुत समय लिया, अपना स्पेस लिया सिचुएशंस को समझने में, जानने में, परखने में, दे टुक देयर टाइम, उन्होंने अपना टाइम लिया, सारी सिचुएशन को एनालाइज किया है, एंड देन दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन जहाँ पे उन्हें अब मतलब जितना ये दूर रहे आपसे उतना इस पर्सन को, या जितनी बात आप दोनों में नहीं हुई ना, उतना ही इस पर्सन का प्यार बढ़ता गया, अट्रैक्शन बढ़ता गया, गलतियाँ समझ में आने लगी, रियलाइज़ होने लगी, एंड आपको पाने का जुनून इस पर्सन के सिर पे सवार हो गया। चलिए हर एक कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई इज़ दिस एस ऑफ पेंटिकल्स हियर? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए ये पर्सन ने ना, मुझे लगता है इस पर्सन को अब जो जगह आपको इस पर्सन ने पास्ट में दी थी, जितना इम्पोर्टेंट आप थे इस पर्सन को, जो वैल्यू आप इस पर्सन के लाइफ में रखते थे, वो वैल्यू वो आपको फिर से देना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, वो पहले जैसे आउट ऑफ यू नो बस ऐसे ही आ गए, बस ऐसे ही इफेक्ट कुछ आपको एक्सप्रेस कर दिया एंड ऐसे ही कुछ आपके सामने ऑफर कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू ऑफर यू लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ठीक है, वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं ढेर सारा प्यार, ढेर सारा अफेक्शन, क्योंकि अब वो श्योर हो गए हैं, उनके अंदर मुझे एक श्योरिटी दिख रही है कि आई वॉन्ट हिम या आई वॉन्ट हर, ठीक है। थ्री ऑफ कप्स क्यों है? यहाँ पे है टेम्परेंस, सैगिटेरियस। देखिए मेरे को ना ये एनर्जी, मैंने सुबह जो रीडिंग डाली थी ना, नेक्स्ट मूव, आपने अगर नहीं देखी होगी डेफिनेटली देख लीजिएगा, सेम एनर्जी फील हो रही है मुझे, मतलब इस रीडिंग का एक एक्सटेंडेड वर्जन है वो, आप वो रीडिंग ज़रूर देखिएगा कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सेम एनर्जी, एग्जैक्टली सेम एनर्जी मुझे फील हो रही है कि दे वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, चाहे फिर गलती उनकी हो आपकी हो, दे वॉन्ट टू यू नो सब चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहते हैं ये पर्सन, इनका प्राइम इंटेंशन ही है कॉम्प्रोमाइज़ करना। एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ, लियो। देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन की इसलिए भी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे कनेक्ट करने की, अभी तक नहीं हुई, क्योंकि इसी पर्सन ने दूरी लाई थी, इसी पर्सन ने दूरी बनाई थी, यही पर्सन आपसे दूर गए थे, एंड नाउ दे फील वेरी अशेम्ड, मतलब उन्हें लग रहा है कि किस मुँह से मैं इसको फेस करूँ, ठीक है, और वो धीरे धीरे अपने अंदर स्ट्रेंथ कल्टिवेट कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? द सन, लियो। देखिए दे हैव अंडरस्टूड कि चाहे वो लाइफ में कुछ भी कर ले, कुछ भी पा ले, यू आर देयर हैप्पीनेस, वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है, उन्हें समझ में आ गया है कि आप उनकी खुशी हो, आपके ऊपर काम करना इज़ लाइक देयर हैप्पीनेस, मतलब जैसे उनकी सोल हैप्पी हो जाती है आपके साथ रह के, ओके, और इसीलिए भी वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसलिए भी वो रियूनियन लाना चाहते हैं। टेम्परेंस क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
सी फिर से किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, दे हैव अंडरस्टूड कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता लाइफ में. वो कुछ भी पा ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी हासिल कर ले, आपकी जगह वो किसी को नहीं दे सकते. आपके जैसा उन्हें कोई नहीं मिल सकता. दे हैव अंडरस्टूड योर वैल्यू. ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे एग्जैक्टली? नाइन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे. एरीज, लियो, सैजिटेरियस. देखिए, मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन ये इसलिए भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप रेडी नहीं हो. आप रिजेक्ट कर दोगे, मना कर दोगे, आप एक वॉल बिल्ड कर ली है आपने और आप इनसे अब नहीं डील करना चाहते हो. ऐसा भी इस पर्सन को लगने लगा है, इसलिए भी ये बहुत धीरे मूवमेंट कर रहे हैं. द फूल एनर्जी क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस. देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं दे डेफिनेटली वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू, बट उन्हें डर लग रहा है कि आप सेम माइंडसेट में नहीं हो, आप उनसे डील नहीं करना चाहते. आप बेसिकली उनको आप ऐसे नज़र आ रहे हो विथ अ स्वर्ड एंड बहुत गुस्सा एंड बहुत यू नो, बट वो चाहते हैं आर या पार हो जाए, सब कुछ सिचुएशन बैलेंस आउट हो जाए, चाहे फिर उनके लिए आप उनको उसके लिए आपकी गालियाँ क्यों ना सुननी पड़े या आपके गुस्से का सामना क्यों ना करना पड़े. द डेविल क्यों है यहाँ पे? टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस. डेफिनेटली मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी भागे आपसे, अपने पैशन को छुपाया, आपके अपने प्यार को दबाया, दूर रहे, आपसे दूरियां बना के देखा, सब कुछ करके देखा है इस पर्सन ने. या हो सकता है फैमिली के लिए, काम के लिए, करियर के लिए, थर्ड पार्टी के लिए कोई तो सप्रेशन था इस पर्सन पे जिसकी वजह से इन्होंने अपने पैशन को छुपाया है. एंड अब वो क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ को बहुत दबा के रखते हैं अंदर, वो चीज़ कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है. तो ऐसा ही हो रहा है अभी. जैसे होता ना वॉल्केनो, ऐसा इनका पैशन मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहा है. क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? हायरोफेंट. सी दे सी यू एज अ मैरिज मटेरियल. वो जानते हैं कि जितना प्यार आप इन्हें दे सकते हो, जितनी केयर आप इनकी कर सकते हो, उतना प्यार या उतनी केयर उनकी कोई नहीं कर सकता. दे सी यू एज समवन जिनसे वो शादी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं इस रिश्ते को. ठीक है, मुझे लगता है कि द सी यू एज समवन जिसको वो अपना लाइफ पार्टनर बना सकता है. यू नो, आपके सिवा वो किसी को इमेजिन भी नहीं करते हैं बीइंग अ लाइफ पार्टनर. एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके उस प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं जिसके लिए भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं. नाइट ऑफ वॉन्ट्स क्यों है यहाँ पे? सी, अगेन मैंने बोला आपको, हो सकता है आप गुस्से में हो सकता है आप क्लैरिफिकेशंस चाहते हो सकता है आप चाहते हो ये कुछ सच बोले या कन्फेस करे या कुछ तो है जो आप ना इनसे डिमांड कर रहे हो. एंड यू आर लाइक, अगर ये मिलेगा तो ही मैं बात करूँगी. ठीक है, अगर ये क्लैरिफाई करोगे या प्रूफ करोगे अपने आप को तो ही मैं बात करूँगी. या फिर आपने मना कर दिया है, आपने बोल दिया यार बहुत हो गया, बस हो गया. तो ये पर्सन फ्लर्टी एनर्जी में आ सकते हैं ताकि यू नो आपके गुस्से को ना झेलना पड़े. झेलना भी चाहेंगे तो भी ये पर्सन झेलेंगे क्योंकि दे नो दे वॉन्ट टू यू नो कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, चाहे बाय हुक और बाय क्रूक. हर्मिट क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे है द सन. सी, जब उन्होंने अपने अंदर झांका, जब उन्होंने स्पेस लिया, दूर रहे, आपसे बात नहीं की, अपने अंदर झांका, अपने आप से सवाल पूछे ना, दे सॉ हैप्पीनेस इन यू. उन्हें समझ में आ गया कि आप ही उनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो. ठीक है, तो ये नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स. अब देख लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, क्या चाहते हैं इस रिश्ते से वो. प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्या चाहते हैं आप, हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से. सी, ऑल दे वांट इज़ लव. सेम एनर्जी यार, डेफिनेटली आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देखिएगा. प्यार चाहते हैं, ठीक है, वो आपको प्यार देना चाहते हैं, प्यार रिसीव करना चाहते हैं. मतलब उन्हें आप कुछ भी नहीं चाहिए, बस प्यार चाहिए. ठीक है, बैलेंस. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दे
दे आर कमिंग इन बैलेंस, उनके अंदर जो मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी है, यिन यांग एनर्जी है, वो डेफिनेटली बैलेंस में आ रही है, जिसकी वजह से भी वो अच्छा सोच पा रहे हैं। एंड आप दोनों ना वन सोल टू बॉडीज हो, ये वो समझ जा रहे गए हैं। नंबर 14 या नंबर 6 आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, सी सेम एनर्जी, मैं आपको बोल रही हूँ, डेफिनेटली वो वीडियो देखिएगा। ओपन अप करना चाहते हैं और ओपन अप करेंगे, ये पर्सन वो चाहते हैं आप भी ओपन अप करें, ठीक है, वो चाहते हैं बैलेंस, यू नो आप दोनों सेम फील करें एक दूसरे के लिए और दोनों एक दूसरे को प्यार करें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सल एडवाइस मैसेज या गाइडेंस क्या है, यूनिवर्सल मैसेज या गाइडेंस क्या है आपके लिए। टिकटॉक नंबर 30, देखिए आपका पेशेंस, मुझे लगता है आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, अब समय आ गया है, आपका डिवाइन टाइम क्लोज है, ठीक है, सो डोंट वरी, जो होगा आपके लिए अच्छे टाइम पे और सही टाइम पे और सही ही होगा। रीजनरेशन नंबर 46, तो यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक न्यू जर्नी, एक नया नई शुरुआत रिश्ते की। गो द डिस्टेंस, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने ऑलरेडी कर दिया है, जहाँ पे आप इस पर्सन से दूर गए, आपने इनको स्पेस दिया, आप दूर रहें, यू बी लाइक ठीक है तुमको स्पेस चाहिए तुम ले लो, अब मैंने पीछे पीछे आने वाला या पीछे पीछे आने वाली, और आपने बहुत सही किया है, ठीक है। एंड बॉटम डेक में है ऑर्फन, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, तो ऐसा फील मत करें, ठीक है, ये टेम्पररी है, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप दोनों दूर नहीं हुए हो, डेफिनेटली आपको अपना प्यार मिलेगा वापस, बस आपको पेशेंस रखना है, ओके। चलिए आपके लिए कुछ लव ओरेकल से भी देख लेते हैं, लव एडवाइस, ठीक है। पहला एडवाइस है आपके लिए, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। देखिए कहीं ना कहीं हम कई बार गिल्टी होते हैं, या हमें लगता है हमें ये करना चाहिए, इसलिए हम कुछ डिसीजंस लेते हैं जो कि गलत भी हो सकते हैं, तो अपने आप से सच्चाई में कोई भी डिसीजन लीजिए, अपने आप से ट्रू रहिए, एंड उसी से आप लोगों के साथ भी ठीक लाइक जस्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रींग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो डेफिनेटली एक जो अच्छा रिश्ता होता है वो ना सिर्फ सपोर्ट करता है बट चैलेंज भी करता है, राइट। एंड आपके पर्सन की तरफ से एक मैसेज है, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स नथिंग स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि भले ही हम फिजिकली दूर हो, दूरियाँ हो हमें, बट स्पिरिचुअली हम एक ही है, और क्योंकि प्यार ना स्पेस और टाइम से परे होता है, और कुछ भी यहाँ पे मिसिंग नहीं है। एंड बॉटम डेक में है, इमोशंस आर नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, तो इमोशंस ज़रूरी भी होते हैं और नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन, बट बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना आपके जो नज़रिया है, आपका जो विजन है, उसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, और आप सच्चाई देखने के बजाय यू नो गलत चीज़ों को सही मान लेते हो। आपके लिए लव मैसेजेस देख लेते हैं, चलिए कुछ लव मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। आपके लिए जो पहला मैसेज है वो है, तुम्हें खोने का डर हमेशा सताता है, सो इस पर्सन को आपको खोने का डर सताता है, ऐसा होता तो जाते ही नहीं, सबसे लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, तो आपके पर्सन आपके लिए सबसे लड़ जाएंगे, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने का फैसला ले चुकी हूँ, ये प्यार ही जीतेगा। नेक्स्ट है, मेरी वजह से हमारा प्यारा सा रिश्ता खराब हुआ, तो उन्हें लगता है उनकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है, गुस्से में प्लीज़ कोई गलत डिसीजन मत लेना, ठीक है, तो डेफिनेटली मे बी उन्हें लगता है आप गुस्से में गलत डिसीजंस लेते हो, तो वो चाहते हैं कि आप जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लो। नेक्स्ट आपके लिए कुछ लव मैसेजेस, कुछ लव नोट्स, मुझे बस तुम्हारी खुशी और प्यार चाहिए, मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया, अभी भी मुझे होप्स है कि सब ठीक होगा, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। और आखिरी मैसेज है,
बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें फिर निराश नहीं करूँगी। तो डेफिनेटली ये चाहते हैं एक लास्ट चांस, और ये अश्योर कर रहे हैं कि ये आपको कभी भी दुख नहीं देंगे। तो बस यही थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट्स में। और आपका गणपति बाप्पा सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है, गणपति का जो सेलिब्रेशन है वो कैसा चल रहा है वो ज़रूर बताना। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक चिपका दीजिएगा, पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड मेरे सारे पेजेस के लिंक और ब्रेसलेट का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर चेक करिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ़।